सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम दुबई का वीज़ा चेक करने के लिए ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे चेक करेंगे, इसके बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गूगल में जाके हमें टाइप कर लेना होगा ICA स्मार्ट सर्विसेज, या मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक मिलेगा, उस लिंक पर भी क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। हमने ICA स्मार्ट सर्विसेज सर्च करा, सर्च करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ पे पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं स्मार्ट सर्विसेज का लिंक आ रहा है। सबसे ऊपर वाले लिंक पे हमें क्या करना है, क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन हो गया, एक डॉट करके आ रहा है, फोर डॉट, वो डॉट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पर चार ऑप्शन आ गया। यहाँ पर सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पब्लिक सर्विसेज का, पब्लिक सर्विसेज वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। यहाँ पे हमें वीज़ा चेक करना है तो सबसे स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे फाइल वैलिडिटी का, फाइल वैलिडिटी वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और उसके बाद सर्च बाय यहाँ पे आप सर्च करना आपको, या वीज़ा नंबर से सर्च करना चाहते हैं, आप पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन से या पासपोर्ट नंबर से आप सर्च करना चाहते हैं। यदि वीज़ा नंबर से सर्च करना है तो फाइल नंबर सेलेक्ट करना है। यदि पासपोर्ट नंबर से आप सर्च करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं आपके पासपोर्ट पर कौन सा वीज़ा है, तो यहाँ पर पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट द टाइप, यहाँ पर वीज़ा टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है, यानी आपको जो वीज़ा लगा है रेसिडेंटियल वीज़ा है, या रेसिडेंटियल वीज़ा है तो रेसिडेंटी पे क्लिक करेंगे। रेसिडेंटियल मतलब आप यहाँ UAE के निवास हैं, तो यहाँ पे रेसिडेंटी का वीज़ा लगेगा। सो फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो आपको टूरिस्ट वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या विजिटर जो भी है इनमें से आपको मिला हुआ है तो आप यहाँ पर वीज़ा सेलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल हम विजिटर के लिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पर वीज़ा सेलेक्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इस वीज़ा सेलेक्ट करने के नीचे यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल भरना है, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आपको भर लेना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद नीचे जाएंगे नेशनलिटी, यानी नेशनलिटी 205 ऑटोमेटिक टाइप करेंगे तो इंडिया आ जाएगा, या यहाँ से चूज कर लेना है। यहाँ पर उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक कर लेंगे। सर्च बार पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन ऑफ स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे निकल के आ गया आपका फाइल नंबर, यानी जो वीज़ा का नंबर है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, पासपोर्ट पे कौन सा वीज़ा इशू हुआ है, और इमारेश इनफाइड नंबर भी आ गया। यहाँ पे फाइल स्टेटस दिखा रहा है, देखिए कन्वर्ट टू रेसिडेंट, जो हमारा वीज़ा है वो रेसिडेंट में कन्वर्ट हो गया है, हम UAE के अंदर ऑलरेडी रह रहे हैं, तो टूरिस्ट वीज़ा जो है वो हमारा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा तो जो था अभी रेसिडेंटियल में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस दिखा रहा है। इसका बाद यहाँ पे फाइल इशुएंस डेट दिखा रहा है, कभी इशू हुआ है, और फाइल एक्सपायरी डेट दिखा रहा है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप चेक कर पाएंगे अपना वीज़ा रियल है या फेक है।